अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भाजपा का पूरा सफाया कर्नाटक से हो चुका है। 224 में से 137 सीटों पर कांग्रेस जीत चुकी है और पूरी अक्सरियत के साथ हुकूमत बना रहे, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का ऑपरेशन कमल का भी मौका नहीं है। क्योंकि हमने देखा है पिछले कई रियासतों में पिछवाड़े से आकर हुकूमत बनाने की आदत भाजपा को थी। भाजपा की नफरत की राजनीति हार चुकी है, लेकिन कहते हैं रस्सी जली बल नहीं गया। लिहाजा आज बेलगाम नॉर्थ से आसिफ राजू सेठ के हिमायती सुबह से ही आरपीडी क्रॉस पर कसीर तादाद में जमा हुए थे और वो जश्न मनाना चाहते थे। आसिफ सेठ जिंदाबाद के नारे भी वो दरमियान में लगा रहे थे। फैसला तो बहुत काफी देर से आया, लेकिन उससे पहले बेलगाम दक्षिण से अभय पाटिल जीतने का ऐलान किया गया। बेलगाम दक्षिण से अभय पाटिल और रमाकांत कुंडुस्कर के दरमियान मुकाबला था। कहा तो ये भी जा रहा था कि रमाकांत कुंडुस्कर जीत दर्ज करेंगे। रमाकांत कुंडुस्कर महाराष्ट्र एकीकरण समिति से उम्मीदवार थे। दक्षिण हलके के मुस्लिम जमातों की जानिब से रमाकांत कुंडुस्कर को हिमायत का ऐलान भी किया गया था। इस तरह की भी खबर गश्त कर रही है और शायद यही बात भाजपा कार्यकर्ताओं को हजम नहीं हो रही थी। जब दोपहर में अभय पाटिल की जीत का ऐलान हुआ तो बड़े जुलूस का भी एहतमाम किया गया। इसी दरमियान कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के दरमियान बहस और नारेबाजी देखी गई। जिंदाबाद जिंदाबाद, राजू सेठ जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। लिहाजा भाजपा के फिरका परस्त ज़हनियत के कुछ नौजवानों ने जानबूझकर माहौल को आलूदा करने के नारे लगाए गए। और अब जब इस खबर को हम बना रहे हैं, इल्जाम मुस्लिम नौजवानों पर लगाकर पाकिस्तान हिमायती नारे लगाने की तोहमत लगाई जा रही है। तिलकवाड़ी पुलिस थाने के सामने एहतजाज भी किया जा रहा है और गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। पर सवाल ये उठता है कि झूठी कहानियां बनाकर इस तरह माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई होगी या नहीं। अब भाजपा वालों को कोई नया तरीका ढूंढ निकालने की जरूरत है और वैसे भी अब पुलिस इंतजामिया को सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी कार्रवाई करती है, उस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत है। वैसे भी भाजपा अब हुकूमत में नहीं रही, इसका भी एहसास इंतजामिया को होना जरूरी है। हुकूमत कोई भी हो, लेकिन शहर के अमन को खराब करने की जरूरत करने वालों पर कार्रवाई जरूरी है। इत्तला के मुताबिक शहर के अमन को खराब करने के लिए मोबाइल स्टेटस रखे जा रहे हैं और ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ। इससे पहले भी कई बार इस तरह की वारदातें पेश आई है और खासकर जब कहीं भी मुस्लिम उम्मीदवार जीत दर्ज करता है या चुनावी रैलियों का एहतमाम किया जाता है तो इस तरह के फर्जी वीडियोज ऑडियो को बदलकर तनाव को कायम करने की कोशिश की जाती है। अब यह मामला तो पुलिस का है, पुलिस को तहकीक करनी चाहिए और झूठ है तो फिर झूठों पर कार्रवाई भी जरूरी है। आज कर्नाटक से भाजपा साफ हो गई, इसका मलाल भाजपा के कुछ लीडरों को जरूर होगा और जहनी दबाव में भी होंगे। कर्नाटक में यूपी की तरह माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। हिजाब, हलाल, मस्जिद, अजान, हिंदू मुस्लिम तमाम फॉर्मूले नाकाम हो चुके हैं। कांग्रेस ने भी बजरंग दल पर पाबंदी की बात कहकर एक तरह से भाजपा को पहले ही हालात से आगाह किया था। शायद इसी गम गुस्से के लिए इस तरह का कोई मामला अंजाम देने की कोशिश की जा रही होगी। वहां क्या नारे लगाए गए, इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए। खासकर अक्सर देखा जाता है कि भाजपा को पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत होने की बात कही जाती है। पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इन अल्फाजों में तो भाजपा की जान अटकी हुई रहती है और शायद सांस भी इनके बगैर नहीं ले पाते होंगे। लेकिन कर्नाटक के अवाम ने इन्हें सबक जरूर सिखाया और मुल्क या रियासत के मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम असल मसले नहीं है, बल्कि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी इस मुल्क रियासत के असल मसले हैं, ये बताने की कोशिश की है। अब नई हुकूमत के सामने तमाम चुनौतियां जरूर होंगी, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ही कहा है कि अगर कांग्रेस हुकूमत में आती है तो फसादात होंगे। जरूरत है नई हुकूमत को बिना किसी खौफ या हुकूमत जाने के डर से धुलमुल रवैया ना अपनाए। जो भी शख्स किसी भी धर्म जात पात का हो, हम ये नहीं कहते कि एक ही तरह कार्रवाई होनी चाहिए। जहां भी गलती है, जो भी मुजरिम है, उसे धर्म जात पात के चश्मे से ना देखे, सख्त कार्रवाई करे। और यही उम्मीद मौजूदा कांग्रेस हुकूमत से रियासत के शहरी करते हैं। यकीनन हार दिल पर चोट जरूर करती है, लेकिन बजाय माहौल को खराब करने के अपने अंदर एहतसाब करें, अपना चिंतन करें। आखिर हुकूमत हमने क्यों गंवाई है? और हो सकता है भाजपा अगर धर्म के आड़ में ही हुकूमत पर फाइज होना चाहती है तो 2024 में सरकार बनाना इतना आसान तो न होगा, क्योंकि अवाम अब सोचने पर मजबूर है। जो भी हो, बेलगाम में राजू सेठ जिंदाबाद के नारे को लेकर जो हवा खड़ा करने की कोशिश हो रही है, इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और यह जिम्मेदारी पुलिस इंतजामिया की है और उन्हीं पर यह आयद होती है। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।